पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बीते 21 दिसंबर को ठेकेदार से लूटपाट करने वाला मुख्य आरोपी रोहित तिवारी लाइनर समेत 5 अपराधी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस इनके पास से लूटे लगभग 400 ग्राम सोने में से 300 ग्राम सोना, 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2,93,000 कैश बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से बरामद जेवरात की कीमत 25 लाख आंकी जा रही है। 21 दिसंबर शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के चाय दुकान पर इस घटना की पूरी प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग के बाद ही ठेकेदार से लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। बहरहाल इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए पटना SSP उपेंद्र शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि महज 8 दिनों के अंदर उद्भेदन होना पटना पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। क्या कुछ कहा उपेंद्र शर्मा ने, आइए सुनते हैं। शास्त्री नगर इलाके में 21 तारीख को लगभग 9:30 बजे रात्रि की घटना है और विद इन 5 मिनट्स हम लोगों को इसकी सूचना मिली थी। एक व्यवसायी हैं, वो राजवंशी नगर चाय दुकान पे चाय पीने आते थे, वहाँ से घर जाने के क्रम में उनके द्वारा लूटपाट हुई थी और काफ़ी मात्रा में उनके जेवरात लूट लिए गए थे। उस संबंध में एक FIR दर्ज किया गया था और हम लोगों ने बड़े ही स्पीडीज का डिटेक्शन किया है। विद इन 8 डेज उस केस को उद्भेदित कर दिया गया है और सभी अपराधी पकड़े गए हैं। केस में जितना भी अपराधी इन्वॉल्व था और जो भी हथियार प्रयोग में लाया गया था उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है, लगभग 400 ग्राम सोना बरामद हुआ है और लूट के सोने में से कुछ सोना इन लोगों ने बेच दिया था और उस संबंध में इन लोगों को लगभग 100 ग्राम सोना बेचने पे 4,00,000 रुपये इन लोगों को मिले थे, जिसमें से कुछ पैसे इन्होंने खर्च किए। 2,93,000 रुपये कैश हम लोगों ने सीज किया है। टोटल 5 अपराध कर्मी हैं जिसमें से कुख्यात है और पहले से वांटेड रहा है। बाढ़ के एक मर्डर केस में जो कि जून 2020 में घटित हुई थी उसमें ये वांछित था। इसके अलावा शास्त्री नगर में जो लूट का केस है जो अभी फिलहाल में 21 तारीख को हुआ था, जिस संबंध में APC की जा रही थी उसमें ये जेल जा रहा है। और एक और केस है जिसमें अभी इन लोगों के पास हम लोगों ने आर्म्स बरामद किया है। 5 अपराधियों को शास्त्री नगर पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है। 1 व्यक्ति का आपराधिक इतिहास मिला है, बाकी 4 का हम लोग और खंगाल रहे हैं क्योंकि रुबाड़ा अनुमंडल के रहने वाले हैं सभी के सभी, तो वहाँ और नालंदा और बेगूसराय से संपर्क साधा जा रहा है कि इनका कहीं और आबादी के इतिहास हो सकता है। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।